तो आज बात करेंगे पवन सिंह जी के बारे में। क्यों बात करेंगे? क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड था कि भाई एक वीडियो तो होना चाहिए पवन सिंह पर। क्यों होना चाहिए? क्योंकि काराकाट में इलेक्शन लड़ने पवन सिंह गए थे उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि हमारा से नहीं जीत सकते हैं, काराकाट से जीत सकते हैं, जहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम कुशवाहा। इतना ही नहीं, काराकाट में जनसंख्या कुशवाहा की बात करें तो 60% है, वहाँ पे लड़ने चलेगा। इनको पता होना चाहिए कि पावर सिर्फ कहने से नहीं होता है। पावर अगर भोजपुरी में आप गाना गा रहे हैं तो आपके गाना में पावर है। वो गाना YouTube पे डालकर आप ट्रेंडिंग में आ सकते हैं, लेकिन अगर आपका वोट कमाने में बात आएगा तो आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि एक नेता को ही वोट करती है जनता, और जनता एक जात पे ही वोट करती है। अपने जाएगी तो अपने जात को ही वोट करेगी, या फिर अपने नेता को ही वोट करेगी। आपको देखने के लिए लाखों लोग आ सकते हैं, आपको फॉलो करते होंगे लाखों लोग, आपको जब प्रचार करने गए तो देखने के लिए इतना ज़्यादा भीड़, खेसारी लाल यादव आए, आप गए तो इतना ज़्यादा भीड़ है, आया वहाँ पे। भीड़ आने के बाद लोगों को लगा कि नहीं नहीं यहाँ तो पावर चलेगा पवन सिंह का। लेकिन आपको शर्म आना चाहिए पवन सिंह जी कि आप जहाँ पे जिगा ना वहाँ पे जो व्यक्ति राजा राम कुशवाहा एक प्रचार नहीं किए और वहाँ से विजय हासिल किए, सोच सकते हैं कि आपका पावर वहाँ पे जाके सील हो गया और सिर्फ कहने के लिए पावर स्टार रह गया। क्योंकि आप पावर जहाँ से आपका शुरू होता था पावर आपका खत्म हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि ये गाना सुनने वाले लोग मनोरंजन कर सकते हैं, आपका गाना में आपको फुल सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिएगा कि हमको जहाँ पे जाए और वोट मांग ले, वोट मिल जाए और वहाँ से हम विजय पाले, तो ये आपके लिए नामुमकिन रहा काराकाट में। और आपको शायद खड़ा नहीं होना चाहिए इलेक्शन में, क्योंकि लोग आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए किस तरीके से थे वो आपको पता ही है। गाड़ी पर चढ़ गए थे, आपका गाड़ी का शीशा तोड़ दिए थे लोग चढ़ चढ़कर। इससे आपको लगा कि नहीं नहीं हम तो यहाँ से जीत जाएंगे, और भोजपुरी के तमाम स्टार को बुलवा कर वहाँ पर नचवाने का काम किए। अभी भी प्रोग्राम करवा दीजिएगा, अगर वहाँ से हार गए फिर भी करवाइए। वहाँ के लोग सभी स्टार को देख लिए, सभी नेता को देख लिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से तमाम बीजेपी के नेता आए, और आपके तरफ से भोजपुरी के तमाम गाने वाले नाचने वाले सभी लोग वहाँ पे आए और अच्छा खासा मनोरंजन हुआ काराकाट वाले का। लेकिन जब ये वोट करने गए तो वोट किए अपने जाति को, अपने नेता को, बल्कि आपको नहीं किए, क्योंकि आपको पसंद सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग करता है। तो आप रिक्वेस्ट है कि आगे से जाकर फिर दोबारा उस जगह पे काराकाट में दोबारा लड़ने का नहीं सोचिएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके ऊपर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप सोचिए समझिए, राजनीतिक में नए आए हैं तो बिहार है यार, यहाँ पहली बात तो लोग जाने से पहले आपका लाख आपका सपोर्ट करते हैं।